हमास के इसराइल पर हमले के बाद पूरी दुनिया में इसकी अटकलें लग रही हैं कि रूस और यूक्रेन के बाद दुनिया में एक और युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इस बीच इसराइल को दुनिया के ताकतवर देशों ने झटका दिया है। मसलन विश्व पटल पर दिग्गज माने जाने वाले रूस और चीन के साथ ही ईरान, मिस्र, सीरिया और अन्य मुस्लिम लीग देश फिलिस्तीन के पक्ष में खुलकर सामने आए हैं। जबकि दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देश इसराइल के साथ है। गौरतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात पहली खाड़ी देश है जिसने वर्ष 2020 में इसराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने की पहल की थी। इस वर्ष 2023 मार्च में दोनों देशों संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और शायद यही बात मुस्लिम लीग के देशों को नागवर गुजरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अमेरिका ने अपील करते हुए कहा कि परिषद के सभी 15 सदस्य हमले की कड़ी निंदा करें। बंद कमरे में हुई मीटिंग में तत्काल कोई कार्रवाई का फैसला नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि अमेरिका और रूस इसराइल मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। बताया जा रहा है कि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास मॉस्को जा सकते हैं, वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई है। वहीं तुर्की के संचार निदेशालय द्वारा जारी एक बयान का हवाला देते हुए बताया गया कि फोन पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और उनके रूसी समकक्ष पुतिन ने इस युद्ध से उपजे तनाव को फैलने से रोकने के उपायों और सुलह के रास्तों पर विचार का आदान प्रदान किया है। वैसे माना जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन होता है। महमूद अब्बास अब पुतिन से मिलने जा रहे हैं। रूस खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा हो गया है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है। रूस का मानना है कि अमेरिका और पश्चिमी देश इसराइल को भी यूक्रेन की तरह फंसा रहे हैं। ईरान की भी इस पूरे मामले में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बता दें कि हमास के लीडर ने दावा किया था कि सहयोगी हमारे मदद के लिए तैयार हैं। रूस के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ने स्पष्ट किया है कि रूस के नागरिक पर सभी हमलों की निंदा हो। चीन ने दोनों देशों के बीच शांति की बात की है। वहीं अमेरिका ने हमास के हमलों को आतंकवादी हमला करार दिया है। फिलिस्तीनियों के साथ 75 साल की लड़ाई में हमास द्वारा किए गए सबसे गंभीर हमलों के प्रतिशोध में इजरायली सरकार ने बुधवार को गाजा के कुछ हिस्सों को नष्ट करने और नियंत्रण जब्त करने का दावा किया। हमास आतंकवादियों द्वारा गाजा में हर घर पर हमला करने के लिए इजरायली सैनिकों और नागरिकों को बंदी बनाकर रखने की धमकी दी गई थी। इसराइल हमास युद्ध में मरने वालों की कुल संख्या 3000 का आंकड़ा पार कर गई है और फिलिस्तीन की तुलना में इसराइल में अधिक मौतें हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वैश्विक नेताओं ने समर्थन की पेशकश करने के लिए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। कॉल के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हमास के हमलों की निंदा करते हुए इसे सरासर दुष्ट कृत्य बताया है।